लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान आज जारी है। लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज सुबह 7 बजे से ही कर रहे हैं और तमाम पोलिंग स्टेशन पर आज जो है मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1625 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें की 135 महिला उम्मीदवार है। और इसके अलावा जो है आपको जितने भी आज उम्मीदवार है उनका आज भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें इसी बीच कुछ खबरें भी सामने आई है, जैसे कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं से हिंसा की खबर सामने आ ही जाती है, तो इस बार भी जैसा कि आज 3 सीटों पर वहां पर चुनाव हो रहा है तो कुछ बिहार में टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें हैं। इसके अलावा शामली यानी कि यूपी से खबर सामने आई जहां पर एक गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि आज बड़े जो आपको सेलिब्रिटीज हैं, राजनेता हैं, नेता हैं, वे भी मतदान करने के लिए पहुंचे। आपको नागपुर से जो कैंडिडेट हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वे भी आज मतदान करने पहुंचे। इसके अलावा तमाम, क्योंकि आज साउथ के तमिलनाडु में भी चुनाव है, तो वहां भी जितने भी फिल्म अभिनेता हैं आपको जूनियर एनटीआर से लेकर तमाम तरह के लोग जो हैं आज मतदान करने पहुंचे हैं। इसके अलावा आज जो मतदान हो रहा है ये पहले चरण का मतदान है और तमाम तरह की जो वोटिंग है आज लोग जो है वो मतदान करने के लिए उतरे हैं। और आपको एक आंकड़ा बता दें कि सुबह 11 बजे तक जो है वो 25% जो है औसतन मतदान जो है वो 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ है। साथ ही राजस्थान की 12 सीटों पर आपको मतदान हो रहा और तमिलनाडु में, और इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार के भी 2 से 3 सीटों पर है। तो जहां भी मतदान हो रहा है एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और अपील की गई है मतदाताओं से कि वे घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र का महाउत्सव यह है। 7 फेजों में इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। साउथ ब्लॉक डिजिटल आपको लोकसभा चुनाव 2024 की तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स लगातार दे रहा है कि कहां क्या कुछ हो रहा है, कितने प्रत्याशी मैदान में है और किस प्रकार की वोटिंग हो रही है, किस प्रकार के वादे हुए हैं, किस प्रकार के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लोगों के लिए जारी किए गए हैं और तमाम तरह के वादे। ऐसे में अब मतदाताओं की बारी है और मतदाता पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज पहले चरण में 102 सीटों पर जो मतदान है इसको जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है और तमाम तरह के वादे। ऐसे में साउथ ब्लॉक डिजिटल को देखते रहिए और लोकसभा चुनाव 2024 की जो है तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।